हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप दसवीं में थे, अब तक आप साइंस पढ़ते थे। साइंस में आप केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों कंबाइंड पढ़ते थे। अब आप कक्षा 11वीं में आ गए हैं, तो 11वीं में तीनों चीजें अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो। आप पढ़ने वाले हैं रसायन का पार्ट एक, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यह भाग एक है, इसके बाद भाग दो आएगा और उसके बाद और मैं भाग बनाऊंगा जिसमें आप इसके बेसिक्स को जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। रसायन की पहले आप जान लीजिए कि रसायन होता क्या है। रसायन में हम सिर्फ और सिर्फ अभी से लेके लास्ट तक पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। रसायन का ये पहले चैप्टर इसलिए बनाया गया है क्योंकि रसायन में सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के बारे में पढ़ा जाता है, तो हमें जरूरी है कि पदार्थ के कुछ मूल अवधारणाएं यानी पदार्थ के बेसिक्स को पहले अपन अच्छी तरीके से समझ लें। इसके लिए पहला चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम रसायन की कुछ मूल अवधारणा है। इसमें सबसे पहले आप समझिए कि रसायन क्या होती है। रसायन मतलब कि रसायन के अंदर पदार्थ से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, पदार्थ के अंदर कौन कौन से अवयव है, पदार्थ का संघटन कैसे होता है, पदार्थ का आकार कैसे होता है, शेप कैसा होता है, पदार्थ का गलनांक और गुणांक, यानी कि उसकी भौतिक प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण को पढ़ने वाले। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम पदार्थ जानते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह चीज होती है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती है, यानी कि पदार्थ वह चीज है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ की डेफिनेशन भी पूछता है, पदार्थ वह चीज या वस्तु होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह को घेरती है। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने पदार्थ का वर्गीकरण किया है दो भागों में, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थ के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसका गलनांक क्या है, उसका तापमान क्या है, उसकी अम्लीयता कितनी है और उसका क्षारीयता कितनी है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है, जिसमें पदार्थ के भौतिक तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पदार्थ का आकार क्या है, पदार्थ के संघटन क्या है, पदार्थ में क्या क्या अवयव है, पदार्थ का रंग क्या होता है और भी कुछ। पदार्थ का जो वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण किया है, तो साइंटिस्ट ने इसको तीन रूप में बांटा है, तीन प्रकार होते हैं भौतिक वर्गीकरण के, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का मैं आपको बता दूं, ठोस का एक सिंपल उदाहरण देके बताता हूं, बर्फ, और द्रव का उदाहरण दूंगा जल, और गैस का उदाहरण तो आपको पता है जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन, H2 हो गया हाइड्रोजन। ठोस, द्रव और गैस का जो अंतर है वो अंतर है उनके अंतराणुक बल के कारण, यानी कि उसके अणुओं के मध्य बल के कारण। अंतराणुक बल जो होता है वो अणुओं के मध्य लगने वाला एक बल होता है। ठोसों में जो अंतराणु बल होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, यानी कि ठोस के जो अणु होते हैं, आपके यहाँ स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिससे उसका अंतराणु बल जो है बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसकी वजह से ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में जो होता है, द्रव में उदाहरण दिया है जल, जल में जो होते हैं उसके अणु जो होते हैं कुछ दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार तो निश्चित होता है, आकार तो इसका निश्चित होता है, परंतु इसका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन इसका अनिश्चित होता है, जबकि गैस का उदाहरण दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके जो अणु होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, जो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं, इसलिए इनके मध्य जो अंतराणु बल लगता है वह कमजोर होता है ठोस की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। उदाहरण है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों ही इसके अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन अनिश्चित होने के कारण इनका जो कारण है वो है इनके अंतराणु बल के कारण होता है। इसके बाद इसका जो रासायनिक वर्गीकरण, आपको भौतिक वर्गीकरण समझ में आया, ठोस को हमने भौतिक वर्गीकरण में हमने तीन भाग में बांटा है, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें हमने उदाहरण देकर बताया ठोस का बर्फ, द्रव का जल और गैस का ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसके बाद आते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें अवयव एक ही होता है, शुद्ध पदार्थ में अवयव एक ही होता है, जबकि मिश्रण में आप दो या दो से अधिक अवयव को ले सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दो या दो से अधिक अभिकर्मक को मिश्रण में आप ले सकते हैं, और शुद्ध पदार्थ में आप अवयव एक ही ले सकते हैं। अभिकर्मक एक ही होता है इसमें, शुद्ध पदार्थ में अभिकर्मक एक ही होता है। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है, तत्व और यौगिक। तत्व तो आप जानते हैं, आप प्योरिटी टेबल जानते हैं, तत्वों की आवर्त सारणी वगैरह जो बनाई गई है वो आप जानते हैं, उसमें हम तत्वों को ही याद करते हैं, तत्वों के बारे में ही पढ़ते हैं।
तत्व जो होता है तत्व में भी एक ही अवयव होता है। तत्व वो चीजें होती है जिसमें जिसमें जो उसके जो परमाणु है वो एक ही एक परमाणु है। तत्व में बहुत बढ़िया सोडियम मैग्नीशियम और भी बहुत कुछ। तत्व को भी दो टाइप में बांटा गया, धातु और अधातु। धातु और अधातु और एक और होता है उपधातु। उपधातु धातु और अधातु के बारे में आप दसवीं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। धातु जो अगाधवर्धनीय होती है, जो तन्य होती है, जिसको आप मारोगे तो वो नहीं टूटती, जिससे आवाज निकलती है मारने पे, और जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। जबकि अधातु क्या होती है, अधातु मजबूती में कम होती है, और ये जो होती है अध्यात्मवाद और तन्य नहीं होती है। आप अधातु को मारोगे तो जल्दी से टूट जाती है। और धातु का जो मेन मेन गुण होता है कि धातु से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, धातु से बिजली का प्रवाह हो सकता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, जबकि अधातु से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। धातु का जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है, जिससे धातु आसानी से गलते और उबलते नहीं है। और अधातु का जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा कम होता है। आप अधातु को आसानी से जला सकते हैं, गला सकते हैं, और गलनांक इसका बहुत कम होता है। धातु अधातु पर चला। इसके बाद जो है शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ का तो आपने जान लिया। अब यौगिक, यौगिक जो होता है, यौगिक में भी यौगिक वही होते हैं जिसमें एक ही अवयव हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, H2O C6H12O6, इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं ग्लूकोज H2O बोलते हैं। चल एक और देख लेता हूँ, C12H22O11। यौगिक के तीन उदाहरण H2O C6H12O6 C12H20O, इसको बोलते हैं सरकरा। सक्कर आप नॉर्मल खाते हैं, सूत्र है C12H22O11। यौगिक में भी एक ही अवयव होता है। अब आप कहेंगे शुद्ध पदार्थ में भी एक अवयव होता है, यौगिक में भी एक अवयव होता है, पर यौगिक में यहाँ दो अवयव दिख रहे हैं। आप ये कहेंगे ना कि यहाँ पे यौगिक का हाइड्रोजन अलग दिख रहा है, ऑक्सीजन अलग दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये H2O मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेता है, और मॉलिक्यूल को ही अपन इसमें अवयव मानते हैं। यौगिक जो होता है H2O C6H12O6 C12H22O11, इसके जो होते हैं ये बढ़कर जो है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी कि अणु बना लेते हैं। पहले यहाँ पे H2 जो होता है वो परमाणु होता है, पर जब H2 बन जाता है तो एक बड़ा सा अणु बन जाता है। और H2O में एक अणु नहीं होते, बहुत सारे, अपन गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा अणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया, एक अकार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में आप उन यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन नहीं होता है, और कार्बनिक यौगिक में आप उसके बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन होता है। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में आप देख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण मैं दे दूंगा C6H12O6, ग्लूकोज और विटामिन। आप जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सब में कार्बन होता है, तो आप विटामिन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये विटामिन। इसके बाद अकार्बनिक यौगिक जो है वे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे कि हो गया जिप्सम, जिप्सम में कार्बन नहीं होता है, जिप्सम में कार्बन नहीं होता है, और जिप्सम। और आप एग्जांपल दे सकते हैं मार्बल, मार्बल जो होता है अकार्बनिक यौगिक होता है, उसके सूत्र में कार्बन नहीं होता है। तो अकार्बनिक यौगिक में अपन उसके बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, और कार्बनिक यौगिक में अपन उसके बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक विशेषता जो है, कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं पेड़ पौधों या फिर जंतुओं से पाए जाते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक को खदानों या चट्टानों को तोड़कर निकाला जाता है। इसके बाद अपन करते हैं मिश्रण। मिश्रण में अपन पढ़ते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके अवयव अच्छी तरह आपस में घुले होते हैं, जिसके अवयव को आप सीधे आंखों से ना देख सकें या फिर उसको अलग अलग ना कर सकें। जबकि विषमांगी मिश्रण में वह मिश्रण आता है जिसके अवयव आपस में अच्छी तरह से नहीं मिले होते, जिसके अवयव को आप अलग अलग नॉर्मल ऐसे आंखों से देख के बता सकते हैं, जैसे कि रेत और पानी का मिश्रण। आप रेत और पानी को यदि आपस में मिलाएंगे तो आप रेत और पानी को अलग अलग ऐसे गिलास में से देख के बता सकते हैं कि रेत अलग है, पानी अलग है। ठीक है, और समांगी मिश्रण जैसे कि आपको सबसे बड़ी उदाहरण है शरबत का। शरबत, शरबत में जो होता है जल होता है और होती है शक्कर। यदि आप जल लो और शक्कर को अच्छी तरह से घोल दो, बाद में फिर आप देखोगे तो शक्कर उसमें अलग नहीं दिखाई देगी, शरबत में सिर्फ पानी दिखाई देगा। जब हम पिएंगे तो शरबत यानी कि उसके शक्कर का टेस्ट आएगा, पर शक्कर जो है नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती। अपन यदि माइक्रोस्कोप से भी देखें तो माइक्रोस्कोप से शक्कर अलग से नहीं दिखती। इसलिए जो है इस ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं जिसका संघन क्या होता है, संघन ऐसा संघन होता है जिसकी अवयव नॉर्मल अपन आंखों से अलग अलग ना देख सके, जिसके अवयव जो होते हैं अलग अलग नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। विषमांगी मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया,
इसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण तो हो गया, इसके बाद हम मोलरता, सारथक अंक और नॉर्मलता वगैरह वगैरह आगे इसके भाग दो में भाग तीन में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।